डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स सीबीएसई की तरफ से ना एक नया सर्कुलर इशू किया गया जिसमें उन्होंने एग्जाम पैटर्न को लेकर बात की है कि अब जो 2023-24 में जो आपके एग्जाम होंगे ना उसका पैटर्न कैसा रहेगा। देखिए जितने भी स्कूल्स हैं ना, ठीक है, मैं दिल्ली में तो आपको पता ही है कि सीबीएसई ही फॉलो होते तो ये वीडियो तो है ही, लेकिन पूरे इंडिया के लिए भी अगर जहां पर भी सीबीएसई को फॉलो किया जाता है, एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पर भी ये एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। तो जितने भी बच्चे सब जरूर वीडियो को देखें। 9th-10th वालों का अलग रूल बता रखा है, 11th और 12th वालों का अलग रूल बता रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको 9th और 10th का रूल बता देता हूँ। ये दे रखा है कि ये 22-23 का रूल है, अब इसको चेंज करके 23-24 में ये रूल कर दिया गया है। तो क्या कर दिया गया सुनिए, यहाँ बताया गया कि जो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन होते हैं जो MCQ की फॉर्म में होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब MCQ जो क्वेश्चन होते हैं और जो केस स्टडी दी जाती है फिर उसको MCQ में पूछा जाता है, ठीक है, और ऐसे ही सोर्स बेस्ड होंगे, मतलब कोई ना कोई आपको जैसे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया, असम्पशन, रीजन इस फॉर्म में दे सकते हैं। तो ये 50% क्वेश्चन है, ये इस बार 50% है, यहाँ पर देखो 40 थे और 50 कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। और MCQ की फॉर्म में जो सेलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप है वो भी 20% कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप लिखा था ना, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ठीक है, इस तरीके से देंगे, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि सेलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप जो क्वेश्चन है वो MCQ में होंगे 20%, मतलब इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके राइट रॉन्ग है और मैचिंग है, ठीक है, इस तरीके से जो भी होते हैं ना वो MCQ की फॉर्म में दे रखा है। अब वो जब सैम्पल पेपर आएगा उससे और क्लियर हो जाएगा। तो वो 20% है, यानी कि देखो 70% क्वेश्चन है आपको एनालाइज करने हैं, मतलब कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा उसको आपको समझ कर बताना है। केवल इस बार 30% ऐसा किया गया कि आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं और लॉन्ग आंसर टाइप करने हैं। इसके पीछे पता है क्या उद्देश्य है, मतलब जो छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं ना वो, और लॉन्ग आंसर जो लिखना होता है बड़े बड़े 120-125 वर्ड के, वो तो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कारण ये है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना 2020 में जो आई है वो ये कहती है कि बच्चों को एनालिसिस करना, मतलब क्रिएटिव लर्निंग बच्चा सीखे और खुद अपने आप अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर आए कि समझे कि वो कहना क्या चाहता है और उसका आंसर पता लगाए। मतलब अब जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आते थे तो बच्चा रट लेता था और फिर वही लिख देता था। इसको कम किया गया, रोट लर्निंग को ना रिमूव करने के लिए किया गया, बच्चा सीखे, लर्न करे, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल ये 100 नंबर का पेपर जो बनेगा आपका, मतलब देखो वो तो पता लग जाएगा कितने मार्क्स का पेपर आएगा, लेकिन 100% जो है ना उसका पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा ये बता दें कि जितना भी नंबर का पेपर बनेगा, जैसे 80 का बनता है, 100 का बनता है, तो उसमें 50% इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें MCQ केस बेस वगैरह होंगे, ठीक है, असम्पशन रीजन, और 20% जो MCQ टाइप में जो सेलेक्ट रिस्पॉन्स वाले हैं, और 30% केवल शॉर्ट आंसर और लॉन्ग टाइप होंगे। ये मैंने 9th-10th का बता दिया। अब 11th और 12th वाले सुन लो, 11th और 12th वालों में देखो यहाँ पर जो है ना सेम वही है 9th-10th की तरह, बस यहाँ पर सिर्फ 40% किया गया है इनके लिए, MCQ और केस बेस्ड 40% है, और यहाँ पर जो है ना ये MCQ 20% है, ठीक है, देखो ये सेम ही है, देखो 20% है, यहाँ पर भी 20% है, जो सेलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स मैचिंग में, और यहाँ पर 40%, मतलब इनकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा रखी गई है शॉर्ट आंसर टाइप में और लॉन्ग आंसर टाइप में, ठीक है। किन की बात कर रहा हूँ मैं, 11th और 12th की। देखो 11th और 12th वाले बच्चे सुन लें कि इनके एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, बस ये कि 12th वाले का जो 12th वालों का जो पेपर होता है वो बोर्ड में बाहर देने जाना होता है और 11th वालों को स्कूल में देना होता है, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। जैसे सैम्पल पेपर आएंगे ना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, और जो CBSE ने नया जो आपका वो जारी किया ना सिलेबस जो नई बुक के हिसाब से, तो वो भी आप वीडियो देख लेना, ठीक है, आपको और हेल्प मिल जाएगी। तो यही था इस वीडियो में, जो जो इन्फॉर्मेशन आती है स्कूल के रिगार्डिंग आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। टेक योर साल डियर स्टूडेंट्स।